हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC लिमिटेड को लेकर। तो आप सभी को तो पता ही है भाई, लास्ट महीने में IRFC ने थोड़ा भी हम लोगों को रिटर्न देते हुए नज़र नहीं आए, जो कि अभी हम लोग देख लेंगे। लास्ट महीने में आप लोग देख ही सकते हैं -7.81% की गिरावट के साथ IRFC चल रहा है। तो भाई इतना क्या हो गया IRFC में कि लास्ट एक महीने से IRFC भाई हम लोगों को प्रॉफिट के नाम पे धब्बा दे रहा है। और अगर हम लोग लास्ट सिक्स मंथ का देखेंगे तो भाई प्रॉफिट माइनस होते 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 21% का रिटर्न में आ गया है, जो कि रिटर्न बहुत और भी ज़्यादा था, जो अभी हम लोगों को 21% में लेके आ गए। ठीक है, सो हमारे जितने भी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है भाई, तो जितने भी लोग इसके अंदर फंसे हैं, उन लोगों को भाई एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई IRFC आने वाले दिनों में आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही रहेगा और गिरता रहेगा, तो भाई आप गलत है। क्योंकि भाई शॉर्ट टाइम इन्वेस्टरों को मैं हमेशा एक चीज़ राय देता हूँ कि भाई आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं तो भाई आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होगा इस सेक्टर के अंदर। देखिए भाई, सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सपोर्ट से वो फिर बाउंस बैक करेगा। सपोर्ट अगर क्रैक कर जाता है तो भाई और नीचे जाएगा, और अगर सपोर्ट में आके रुकता है तो भाई यहाँ से बाउंस बैक होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक करने से फिर से एक बार अच्छा खासा तेज़ी दिखने को मिलता है हमको मार्केट के अंदर। ओके, और अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है तो भाई मार्केट कौन सा दिशा में जाएगा कोई भी ठीक ठिकाना नहीं होता। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिएगा। और देखिए भाई, हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जितने भी हैं ना, सो भाई उनको तो भाई एकदम बहुत ही बढ़िया है भाई। अगर आप 3 से 5 साल पेशेंट रख सकते हैं तो भाई आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। अगर आप इसका लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे, लगभग 600% का रिटर्न दिया लास्ट 5 ईयर्स ने, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया भाई लास्ट 5 ईयर्स में। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, देखिए बिज़नेस IRFC का बहुत बढ़िया है कि आप सभी तो पता है कि भाई रेलवे के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सबके ऊपर ये फाइनेंस करता है। ठीक है, और देखिए इसका मार्केट कैप्चर आप सभी लोगों को तो पता ही है भाई, मार्केट कैप्चर 2,30,000 का मार्केट कैप्चर। और आप अगर देखेंगे कि इसने एक साल के अंदर अपने शेयर होल्डर का पैसा लगभग 4 गुना कर दिया है। ठीक है, और 4 गुना लगभग 5 गुना कर दिया भाई एक साल के अंदर ही अपने शेयर होल्डर का पैसा। आप देखिए 50 पे था, 4 गुना 5 गुना तो नहीं होता है, मान लीजिए ठीक है 4 गुना। पी रेशियो भी बहुत ही अच्छा खासा है और हाई लो आप देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया है। सो भाई देखिए, आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देगा अगर आप इस सेक्टर के अंदर बने रहते हैं तो। देखिए भाई, पेशेंट रखिए, क्योंकि पेशेंट रखने से ना आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इसके अंदर। आप 3 से 5 साल का पेशेंट रखिए, अभी भी अगर आप अभी इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो भाई देखिए निवेश के लिए बहुत बढ़िया टाइम है ये टाइम। ठीक है, अगर आप इसके अंदर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, फिर बोलेंगे भाई निवेश करके तो फंस गया। तो देखिए दोस्तों, हमारे जितने भी वीडियो होते हैं ना, सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।